Good morning kids, how are you all? Today we have to learn EVS in standard 3. So kids, last time humne EVS mein chapter number 19 complete kar liya hai. Okay, तो चैप्टर नंबर 19 पे जो मैंने सारे एक्सरसाइज करवाई थी, आई होप सभी बच्चों ने अच्छे से चैप्टर नंबर 19 वीडियो में देख देख के कंप्लीट कर ही लिया होगा, क्योंकि मेरे बच्चे तो अभी बहुत ही होशियार है ना, घर पे बैठ के सब कुछ सीख रहे हैं अच्छे से मोबाइल में से. तो आज हम पेज नंबर 136 से हमारा न्यू चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करने वाले हैं. व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर न्यू चैप्टर? टेल हाउ मैनी. हाउ मैनी मतलब कितने हैं और टेल मतलब बताओ, बताओ कितने हैं, टेल हाउ मैनी. चलो स्टार्ट करते हैं. क्या दिया है यहाँ पे? सो टेल हाउ मैनी, बताओ कितने हैं. कम आओ, लेट अस प्ले अ गेम टुगेदर. चलो साथ में एक गेम प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं. यू मस्ट बी फैमिलियर विथ दिस गेम, कि आप इस गेम से फैमिलियर होगे ही, यानी कि आपको इस गेम के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो होगी ही. ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन अ सर्कल, सारे बच्चों को खड़े रहना है एक सर्कल बना के. लेट वन चाइल्ड स्टैंड इन द सेंटर, एक बच्चे को सेंटर में यानी कि बीच में खड़े रहने दो. एंड प्ले अ ट्यून, और धुन बजाओ. Everyone must run in a circle as long as the music plays. यानी कि everyone, हर एक बच्चे को must run, compulsory दौड़ना ही पड़ेगा, in a circle, circle में, as long as the music plays, कि जब तक music बजता रहता है हर एक बच्चे को circle में दौड़ना पड़ेगा, और बीच में एक बच्चा खड़ा हुआ है. The child who is playing the music, बच्चा कि जो म्यूज़िक बजा रहा है, विल सडनली स्टॉप इट, वो अचानक ही उसे स्टॉप कर देगा. एंड कॉल आउट अ नंबर लाइक 5, 4 और 2 लाउडली, और वो अपने मुंह से एक नंबर बोलेगा, जैसे कि 5, 4, 2, वैसे ज़ोर से वो नंबर बोलेगा. चिल्ड्रन हैव टू फॉर्म ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर कॉल्ड आउट. चिल्ड्रन हैव टू फॉर्म अ ग्रुप्स, यानी कि जितने वो नंबर बोलेगा उस नंबर के हिसाब से बच्चों को ग्रुप बनाना पड़ेगा. यानी कि वो बच्चा अगर नंबर 2 बोल रहा है तो 2-2 जन का ग्रुप, नंबर 3 बोल रहा है तो 3-3 जन का ग्रुप, नंबर 4 बोल रहा है तो 4-4 जन का ग्रुप, वैसे ग्रुप बनाने होंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर कॉल्ड आउट. यानी कि वो बच्चा जो भी नंबर बोल रहा है उसके हिसाब से उसे ग्रुप बनाने होंगे. द चिल्ड्रन वो कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप, बच्चा कोई भी बच्चा जो कोई भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाता है, विल हैव टू लीव द गेम, उसे गेम छोड़नी पड़ती है क्योंकि वो आउट हो जाता है. और कंपलसरी ग्रुप बनाना बहुत ही ज़रूरी है, अगर ग्रुप नहीं बनता है तो वो बच्चा अकेला रह जाता है और वो जो है वो आउट हो जाता है. कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली 2 चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द सर्कल, कि सर्कल में जब तक 2 ही बच्चे बचते हैं तब तक आपको ये प्ले कंटिन्यू करना है, खेलते रहना है. ओके, तो जब तक 2 बच्चे बचते हैं तब तक आप ये प्ले कर सकते हो, खेल सकते हो, और अगर 2 से ज़्यादा बच्चे बच रहे तो उसके लिए आपको गेम कंटिन्यू करना पड़ेगा. ओके, तो ये गेम जो है वो बहुत मज़ेदार है, आपको तो पता ही होगा और आपने खेली भी होगी ये गेम, मुझे पता ही, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हम भी उस टाइम पे खेलते थे, तो आप तो इस ज़माने में खेलते ही होंगे. तो उसके बाद है थिंक एंड टेल, चलो सोचो और बताओ. तो चलो देखते हैं क्या दिया है हम यहाँ पे. कम लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम, आओ चलो हम इस गेम के बारे में बातें करते हैं. क्या बातें करनी है देखते हैं चलो. व्हाट डिड यू डू व्हेन यू आर आस्क्ड जॉइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर 1, यानी कि आपको जब भी पूछा जाता है कोई भी ग्रुप बनाने के लिए कोई नंबर को, तो आप क्या करते हो और क्यों करते हो? तो आई थिंक आपको पता ही होता है कि आप सर्कल में खड़े रहे हो तो आप क्या करोगे कि अपने आजू बाजू वाले को बोल दोगे कि तुम मेरे साथ ही ग्रुप बनाओगे, है ना. तो आप जो है अपनी टीम बना लोगे जिसकी वजह से आप जो मोस्ट ऑफ ले आउट नहीं होंगे. उसके बाद है हाउ डिड यू फील इफ़ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप, अगर आप कोई भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आपको कैसा फील हो रहा है? ऑब्वियसली बहुत बैड फील होगा, बहुत ही बुरा फील होगा, क्योंकि हम गेम से आउट हो जाएंगे और हम किसी ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, तो है ना.
उसके बाद है नेक्स्ट, वाई कुड यू नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप, तो आप कोई भी ग्रुप को क्यों ज्वाइन नहीं कर पाए, कौन सा रीज़न है? तो भाई आपको पता होना चाहिए कि किस रीज़न की वजह से, तो आपको लगेगा कि आपके फ्रेंड जो है उन लोगों ने ग्रुप बना दिया है और आपको अकेला रख दिया है, और उन लोगों ने पूरा ग्रुप जो है टीम बना ली है, जिसकी वजह से वो टीम जो है वो हर एक नंबर का ग्रुप बना देती है और आप अकेले रह जाते हो। उसके बाद है इन स्कूल, स्कूल में whom do you like to be more with, why, और स्कूल में आप किसके साथ अपना ग्रुप बनाना पसंद करोगे, क्यों, तो ये लिखना है यहाँ पे कि आपको कौन से व्यक्ति के साथ ग्रुप बनाना ज़्यादा पसंद है। हाउ वुड यू फील इफ़ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन, यानी कि आप अगर हमेशा अकेले ही रहते हो तो आपको कैसा फील होता है? तो आई होप किसी को अच्छा फील तो नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को फ्रेंड्स बनाने बहुत अच्छे लगते हैं और वैसे भी फ्रेंड्स के साथ गेम खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई बच्चा हमेशा अकेला रहता है, अगर उसका कोई फ्रेंड नहीं है, तो किसी भी बच्चे को बहुत बुरा ही लगेगा, है ना। तो आज हमने चैप्टर में एक गेम के बारे में पढ़ा और गेम के ये क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी हमने यहाँ पे एक चर्चा की। तो आज आपको क्या करना है होमवर्क में कि ये जो मैं हार्ड वर्ड्स लिख कर रही हूँ वो हार्ड वर्ड्स आपको नोटबुक में 3-3 टाइम लिखना है। फर्स्ट है फैमिलियर, उसके बाद है एवरीवन, म्यूज़िक, उसके बाद है चिल्ड्रन, और उसके बाद है कंटिन्यू, ओके, उसके बाद है ग्रुप और सर्कल। सडेनली तो कितने वर्ड्स हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 वर्ड जो है वो नोटबुक में 3-3 टाइम लिखने हैं और लर्न करने हैं अच्छे से स्पेलिंग के साथ और मीनिंग के साथ भी, ओके, नोटबुक में 3-3 टाइम लिख के लर्न कर देने हैं। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर से इसे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।